भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, माताजी और प्यारों बच्चों, मैं आप लोगों को ममता बनर्जी ने मैं आप लोगों के पास आई हुई है खाली एक बात कहने के लिए कि आज आप लोगों से मैं नहीं मिल पाऊंगी कि लॉकडाउन चल रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं चलते तो हम पहले का माफिक आज भी आप लोगों के साथ मिल पाती, लेकिन आप जैसे घर में है, लॉकडाउन नहीं तोड़ रहा है, मैं भी लॉकडाउन तोड़ने का नहीं चाहती हूँ। मैं आप लोगों को एरिया में आई हुई है आप लोगों को देखने के लिए और पुलिस को बताने के लिए, जैसे हमारा आम जनता को इतना दिक्कत में भी वो लोग अच्छा रहे, उसको जिंदगी अच्छा से बीते और उसको कोरोना रोग ना हो, इसी के लिए पूरा जो प्रिकॉशन लेना है वो लेने के लिए बोलने के लिए, आप लोग घर में रहिए, आप लोग अच्छा रहिए, आप लोग सुस्त रहिए और आप लोग घर से मास्क निकालिए, इसी के लिए कि ये जो रोग होता है ना, ये बर्बादी कर देता है। ये जो रोग होता है ये क्या बर्बादी करते हैं, अगर आपको ड्रॉपलेट किसी से मिल गया तो आपको परिवार का पूरा जान खतरा में चला जाएगा, ऐसा भी होता है। तो इसी के लिए हमको परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, हर इंसान को बचाना है, इसी के लिए डरिए मत, अपना ख्याल रखिए, अच्छा से खाना खाइए, रेस्ट करिए, सुस्वस्थ रहिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। अगर कोई जरूरत हो, कोई समस्या हो तो समस्या हल करने के लिए हमारा पुलिस फोर्स आपका साथ में हर दफा रहा, हर तरह आप उसके साथ कंटेक्ट कीजिए, उन्होंने आपका पूरा मदद करेंगे। इसमें अगर आपका कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमको भी बता सकते हैं, हमारा भी हेल्पलाइन जो हम बार बार दे रहा है उसको भी आप नजर करिए। आप लोग अच्छा रहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे राजस्थानी हो, चाहे मराठी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे हमारा हर तरह हर किस्म का माँ बहन हो, हमारा भाई हो। कलकत्ता में थोड़ा कोरोना का ज्यादा हुआ, इसी के लिए हम लोग को थोड़ा स्ट्रांग एक्शन लेने पड़ता है आप लोगों को अच्छे रखने के लिए। प्लीज माफी कीजिए, मैं आप लोगों के पास माफी चाहती हूँ, इसी के लिए आप लोग अच्छे रहिए, सुस्त रहिए। जैसे आने वाला दिन कोरोना को तो हम हटाएंगे, साथ साथ में लड़ने के लिए दिल से भी एक जोड़ा दिल हमको ताकत से दिल से लड़ना पड़ेगा। इसीलिए पहले कोरोना हटाके उसको बाद हम देश को बचाएंगे। ये लड़ाई में आपका शामिल होना जरूरी है, आपका साथ होना जरूरी है। अच्छे रहिए, हम लॉकडाउन नहीं तोड़ना चाहती हूँ, इसी के लिए मैं आप लोगों के पास नहीं मिल पाया, लेकिन आपको एरिया में आई हुई है देखने के लिए कि आप लोग सब ठीक है, तो आप लोग ठीक रहिए, चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा दिन रात नजर रखते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपको कोई देखभाल नहीं करने के लिए है, हम लोग पूरा है। अच्छा रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, एक साथ में रहिए।